हेलो फ्रेंड्स, सैनिक आईटीआई यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर प्रदीप कुशवाहा। और ये जो क्लास है आज की, वो है फिटर ट्रेड थ्योरी की क्लास, जो कि सेकेंड ईयर को पढ़ाई जाएगी। तो ये जो वॉल्यूम है वो 2 of 2 है, और ये जो क्लास है ये सेकेंड ईयर के लिए है। तो पिछली जो क्लास थी उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा। पिछली क्लास में हमने मॉड्यूल 3 में पढ़ा था हाइड्रोलिक पंप के बारे में। हमने हाइड्रोलिक पंप के बारे में पढ़ा था कि हाइड्रोलिक पंप कैसे काम करता है, इसके कितने टाइप के प्रकार होते हैं, और वो किस किस तरीकों से कार्य करते हैं, उनका किस जगहों पर किस तरीके से इस्तेमाल होता है। हैवी टाइप के कुछ हल्के पंप होते हैं, जो भारी कुछ पंप होते हैं जो भारी कामों के लिए इस्तेमाल होते हैं, और कम फ्लो के लिए, हाई फ्लो के लिए अलग अलग टाइप के जो पंप होते हैं उसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया है। आज का जो चैप्टर है वो है अगला, प्रेशर रिलीफ वॉल्व। प्रेशर रिलीफ वॉल्व के बारे में पढ़ेंगे और ट्यूब एंड पाइप्स असेंबली के बारे में पढ़ेंगे। ये दो टॉपिक आज हम लगभग कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर, प्रेशर एंड रिलीफ वॉल्व। यहाँ है प्रेशर रिलीफ वॉल्व। प्रेशर रिलीफ वॉल्व इसको बोलते हैं दाब रिलीफ वॉल्व, जो हिंदी में बोलते हैं प्रेशर। इसमें क्या हम लोग को क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, ये सारे 3 टॉपिक हैं जिसको यहाँ पे हमें कवर करना है। पहला होगा प्रेशर रिलीफ वॉल्व के मुख्य पार्टों को जानना, दूसरा है प्रेशर रिलीफ वॉल्व के विभिन्न पार्टों की कार्य आकृति, और तीसरा है प्रेशर रिलीफ वॉल्व की मुख्य संरचना एवं आकृति। इस 3 के बारे में हम लोग आज पढ़ लेते हैं। तो जो प्रेशर रिलीफ वाल्व का जो सामान्य दृश्य है वो फिगर नंबर 1 में जो है वो दिखाया गया है। बाहर की तरफ नॉब, ये जो नॉब है जिसको हम घुमाते हैं गोल गोल पकड़ के, इसी को बोलते हैं नॉब। इसको क्या बोलते हैं, नॉब, ठीक है। इसको KNOBE, ये स्पेलिंग होती है इसकी, नॉब। इसके बाद इसमें रिलीफ पार्ट जो इसको अब डीअसेंबल कर दिया गया है, इसे क्या है, एक पूर्ण असेंबली है। अब फिगर नंबर 2 क्या है, यहाँ पर देखेंगे ये क्या है कि एक उसको खोल दिया गया है, इस पूरे पार्ट्स को खोल के इसको दिखाया गया है, इसके पार्ट्स कितने कितने होते हैं। तो इसमें देखिए बॉडी होता है, टॉप कवर होता है, पिस्टन होता है, लाइट स्प्रिंग होता है, पिस्टन सीट होती है, पॉपेट होता है, पॉपेट सीट होती है, हैवी स्प्रिंग होता है, एडजस्टिंग स्क्रू होता है। इतनी सारी चीजें इसके अंदर लगी होती हैं। अब इसमें मोटा मोटा हम लोग पढ़ लेंगे क्या क्या होता है। बॉडी, बॉडी वॉल्व की जो बॉडी होती है फाइन ग्रेड, जो फाइन ग्रेड का ढलवा लोहा होता है उससे बनी होती है, जो फाइन ग्रेड का जो ढलवा लोहा होता है उससे बनी होती है। कास्टिंग बॉडी के अंदर अच्छे से मशीनिंग की जाती है, जिसमें पिस्टन और पिस्टन सीट टाइट स्प्रिंग बैठती है। तो वो जहाँ भी पिस्टन का काम होता है वहाँ पे फिनिशिंग हाई चाहिए होती है। पिस्टन मतलब क्या होता है, किसी सिलेंडर के अंदर, कोई सिलेंडर है इसके अंदर कोई चीज़ ऊपर नीचे गति जब करती है उसी को बोलते हैं पिस्टन। ये जो हिस्सा है हैचिंग लाइन का इसको बोलेंगे पिस्टन। ये क्या करेगा, अप एंड डाउन मोशन करता है इसके अंदर, इसीलिए इसको बोलते हैं पिस्टन। तो ऐसी जगहों पर जहाँ भी पिस्टन घर्षण करता है, फ्रिक्शन करता है, वहां पर क्या होता है, बहुत ही स्मूथ फिनिशिंग चाहिए होती है। बॉडी को टॉप कवर से स्क्रू द्वारा कसा जाता है, ये देखिए स्क्रू द्वारा कसा गया टॉप कवर को। और इसके बाद इनलेट आउटलेट पर ड्रेन पोर्ट्स बॉडी में दिए होते हैं। देखिए इसमें इनलेट होता है और आउटलेट नीचे दिया होता है। चूड़ी कटे हुए होस में बॉडी के अंदर मुख्य प्रक्रिया को करने हेतु तो स्थान होता है। ये देखो कोई भी क्रिया जो इसमें अंदर इनपुट जाता है वो इसी माध्यम से अंदर जाता है। टॉप कवर फाइन कास्टिंग विधि द्वारा तैयार किया जाता है, इसे अंदर से मशीनिंग कर पॉपेट व हैवी स्क्रू प्लग आदि स्थान बनाया जाता है। टॉप कवर को बॉडी स्क्रू के द्वारा जोड़ा जाता है। देखिए क्या ना, छोटे छोटे पार्ट्स है, उसके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन करने की मुझे लगता है जरूरत नहीं है, बस इसको समझ लेना है। टॉप कवर होता है जिसके ऊपर से इसको रखकर टाइट कर दिया जाता है।
उसके बाद अगला होता है पिस्टन। यह बॉडी के मुख्य रिलीविंग वाल्व तत्व होते हैं। यह टूट फूट निरोधी स्टील को हाई कर बनाया जाता है। जो स्टील होता है उसको हाई करके बनाया जाता है। यहाँ पर देखिए पिस्टन जो इसके अंदर लगा होता है, यहाँ पर इसी की बात हो रही है। यहाँ पर बड़े व्यास के फ्लैट साइड पर ऑरिफिस होल होता है और आर पार छिद्र का उद्देश्य यह है कि दरार होते समय आयल को बाहर निकाला जा सके। ऑरिफिस होल द्वारा पिस्टन के ऊपर का क्षेत्रफल इनलेट प्रेशर से भर दिया जाता है, जिससे पिस्टन बैलेंस रहता है। ये देखो पिस्टन वॉल्व इस तरीके से होता है कुछ। इसमें ग्रूव बने होते हैं, ऊपर होल बना होता है, यहाँ बैलेंसिंग ऑरिफिस बने होते हैं। इससे अगर कोई ज्यादा दाब पड़े इसमें से तेल निकलकर ऊपर की तरफ चला जाए। लाइट स्प्रिंग लगी होती है, पिस्टन सीट लगी होती है, सब असेंबली के पार्ट होते हैं। इसको हमने बहुत डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, बस फिगर नंबर 4 में देखिए। यहाँ पर देखिए जो नॉब है, ये नॉब यहाँ पर काम करता है। यहाँ से ये पोपेट है और यहाँ पर अलग अलग वाल्व बने हुए हैं। ये बॉडी है और बैलेंस पिस्टन यहाँ पे बीच में लगा हुआ है। जब इसको गोल गोल घुमाते हैं उसी हिसाब से पिस्टन ऊपर नीचे मूव करता है और ये जो वाल्व है क्लोज ओपन होते हैं उसी प्रकार से। उसके बाद है अगला ट्यूब एंड पाइप असेंबली। ट्यूब एंड पाइप असेंबली, उसमें क्या होता है कि द्रवचालित उपकरणों में जो ट्यूबिंग और हाइड्रोलिक सिस्टम होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचता है बिना किसी रुकावट के। तो इस उद्देश्य के लिए ट्यूबों का प्रयोग किया जाता है। अतः ट्यूबों के कार्य बिना लीकेज के द्रव को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम होता है। तो ट्यूब का असली काम क्या होता है कि बिना लीकेज के किसी भी द्रव या गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। जैसे कि कोई भी पानी है आपके घरों में जो पाइपलाइन जाती है, तो क्या होता है वो पाइप क्या करता है, ट्यूब, उसको ट्यूब ही बोलते हैं। तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसको लेके जाता है। ट्यूब और पाइप में ये फर्क होता है, ट्यूब का जो डायमीटर होता है कम होता है और पाइप का डायमीटर क्या होता है, ज्यादा होता है। इसीलिए उसको ट्यूब कहते हैं, इसीलिए इसको पाइप कहते हैं। सामान्यतः ट्यूब और पाइप शब्द सुनकर भ्रम उत्पन्न होता है। ट्यूब को सही परिभाषा क्या है? देखिए ट्यूब और पाइप में अंतर दिखाया गया है। ट्यूब और पाइप में अंतर एकदम संकीर्ण है। ट्यूब की भित्ति जो होती है वो पतली होती है, जबकि पाइप की दीवार मोटी होती है। ट्यूब सामान्यतः डिजाइन में निरंतरता युक्त होते हैं, जबकि पाइप वेल्डेड होते हैं। देखिए यहाँ पर बता दिया इसने ट्यूब और पाइप का सबसे बड़ा अंतर। जैसे ये कोई गोल है, अगर इसकी जो ये चादर है गोल गोल, जो ये चादर बनी हुई है चारों तरफ, अगर ये मोटी होगी तो इसको पाइप बोलेंगे और ये पतली होगी तो इसे ट्यूब बोलेंगे। पहला जो पहला है। और दूसरा क्या है कि जब ट्यूब को बनाया जाता है तो जब बनाते समय एकदम डायरेक्ट कंटिन्यूअस वो कहीं उसके अंदर कोई भी ज्वाइंट नहीं होता, लगातार वो बनी रहती है। और जबकि जब पाइप को बनाते हैं तो पाइप कुछ ऐसी बनती है, यहां से लेके यहां तक, फिर यहां पे जोड़ दिया, फिर दूसरी पाइप यहां से लेके यहां तक, फिर यहां जोड़ दिया, ऐसे जोड़ जोड़ के आगे उससे बनाया जाता है। फिर यहाँ जोड़ दिया, फिर पाइप आगे जोड़ दिया, तो पाइप को जोड़ जोड़ के लंबा बनाया जाता है। जबकि ट्यूब में क्या होता है उसे एक ही साथ खींच के लंबा ले जाया जाता है, उसमें कोई ज्वाइंट बीच में नहीं होता। ट्यूबों पर पतली भित्ति होने के कारण चूड़ियां थ्रेड नहीं बनाती। ट्यूब में क्या होता है, चूड़ियां जो थ्रेड होता है वो नहीं बना सकते, क्योंकि उसकी जो मोटाई होती है वो कम होती है। और दोनों ट्यूब एवं पाइप स्टील के बने होते हैं, लेकिन ट्यूब कॉपर स्टील व प्लास्टिक आदि के भी बने होते हैं। ट्यूब पाइप की अपेक्षा आसानी से मुड़ जाती है, अतः ट्यूबों में पाइप से अधिक लचीलापन होता है। ट्यूब का पाइप से मुख्य अंतर यह है कि ट्यूब की आंतरिक भित्ति कोमल होती है, जिससे द्रव का निर्वहन बहाव होता है। इस बहाव को लेमिनार भी कहते हैं। इस बहाव को लेमिनार कहते हैं, ये याद रखिएगा। लेमिनार ये पूछा जाता है सवाल कि जो उसके अंदर की भित्ति होती है वो क्या होती है, कोमल होती है। तो इससे क्या होता है, बहाव बहुत ही अच्छा होता है, तो उसको लेमिनार बोला जाता है। जबकि पाइप में बहाव अशांत रहता है, इसकी अंदर की सतह कोमल नहीं होती। कोमल होगी तो क्या होगा, पानी बहेगा और आवाज कम होगी, स्मूथली बहेगा। सामान्यतः कार्यस्थलों पर पाइप और ट्यूब में अंतर ठीक से नहीं बताया जाता है। पाइप और ट्यूब में जो ऊपर मैंने आपको 3, 4, 5,
छह अंतर बताएं, यही मेन अंतर ट्यूब और पाइप में पाए जाते हैं। सबसे मेन अंतर देखिए क्या होता है, सबसे मेन अंतर यही है कि ट्यूब में कोई ज्वाइंट नहीं होता और पाइप में ज्वाइंट होता है, ठीक है। और उसकी जो डायमीटर चादर होती है वो पतली होती है, उसकी मोटी होती है। अब ट्यूब का मटेरियल के बारे में बताया गया है, ट्यूब मटेरियल क्या है। ट्यूबों को बाहरी व्यास एवं लंबाई द्वारा बताया जाता है। ट्यूबों को बाहरी व्यास, जैसे ये कोई है, इसके बाहरी व्यास जो डायमीटर होगा उसके द्वारा इसको बताया जाएगा, और इसकी लंबाई कितनी है उसके आधार पर बताया जाएगा। डाया और लंबाई के आधार पे इसको हम निर्दिष्ट करते हैं। इसकी लंबाई कस्टमर के उपयोग के अनुसार ट्यूब का काटकर की जा सकती है। यह कॉपर, ब्रास, एल्युमिनियम, कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। सभी ट्यूब निरंतर बनाई हुई होती है, ठीक है। इसके बाद द्रव जाल में पाइप फिटिंग का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पाइप फिटिंग इन हाइड्रोलिक। देखो पाइप फिटिंग में क्या होता है, एक रिजिड होता है, एक फ्लेक्सिबल होता है। दो टाइप के जोड़ होते हैं, एक होता है रिजिड और दूसरा होता है फ्लेक्सिबल। लगभग ये हर जगह मिलेगा आपको, रिजिड और फ्लेक्सिबल। पावर ट्रांसमिशन में भी आपने पढ़ा था कि जो ट्रांसमिशन होता है वो दो टाइप से होता है, एक रिजिड होता है, एक फ्लेक्सिबल होता है। तो जो पट्टे से होता था वो फ्लेक्सिबल होता था, जो गियर के माध्यम से होता था वो रिजिड होता था। इसी तरह इसमें भी जो द्रव का चालन होता है वो दो तरीके से होता है, एक रिजिड होता है और एक फ्लेक्सिबल होता है। रिजिड में क्या होता है पढ़ लेते हैं, ये जो रिडिस कनेक्शन होते हैं, रिजिड कठोर कनेक्शन। तो कठोर ट्यूबिंग मेटल ट्यूब द्वारा की जाती है, इसमें क्या होता है ट्यूब के माध्यम से की जाती है, और ट्यूब को आवश्यक लंबाई तक मोड़ा जाता है व सर्किटों के अन्य भागों को जोड़ दिया जाता है, जैसा कि फिगर नंबर एक में दिखाया गया है। जैसे यहां से लेके यहां तक ले जाना है हमें, इस स्थान से लेके इस स्थान तक, यहां से यहां तक। तो हमने क्या किया, ट्यूब को यहाँ पे फिर तो ज्वाइंट नहीं किया, यहीं पे मोड़ के फिर इसको यहां तक लेके गए। मतलब क्या रिजिड है, इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, जो जैसा शेप बन गया उसी शेप में से ही होकर गुजरना है, इसको बोलते हैं रिजिड। यह कनेक्शन उस स्थान पर किया जाता है जहां पर बने हुए सर्किट को कोई संशोधन न करने हो, वो उस सर्किट में भविष्य में कोई खोलना वोलना ना हो। तो जहां पर ऐसा काम है कि यहां से लेके वहां तक कोई पाइपलाइन जानी है या कोई द्रव को प्रवाहित करना है यहां से लेके यहां तक, पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक, और फ्यूचर में कहीं से कोई क्रॉस कनेक्शन हमें नहीं करना है, तो ऐसी जगहों पर हम लोग क्या करते हैं, रिजिड कनेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। यदि कोई बदलाव लाना हो तो मौजूदा पाइप को खोल दिया जाता है एवं नए पाइप को मोड़कर लगाया जाता है। अगर कोई बदलाव करना भी है तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो होता है पूरा ए से लेके बी तक, उसको पूरा निकाल के दूसरा पाइप लगाना होगा, यानी कि काट के यहीं से दूसरा कर दें, तो इसको बोलते हैं रिजिड कनेक्शंस। और फ्लेक्सिबल कनेक्शन क्या मतलब है यहाँ पर, फ्लेक्सिबल कनेक्शन से इस प्रक्रिया में पार्टों को लचीला ट्यूबों के द्वारा जोड़ा जाता है, सामान्यतः इसे होस कहते हैं। लचीला होसों को सिंथेटिक रबर ट्यूब जिन्हें उच्च तनाव वाली स्टील वायरों से जड़ा होता है, फिगर नंबर टू में देखिए दिखाया गया है। लचीला होस कम ज्यादा प्रेशर को अच्छे से झेल सकता है, यह प्रेशर होस स्वतः ही खत्म हो जाता है, यह जो प्रेशर होता है होस में स्वतः ही खत्म हो जाता है। यदि पाइप कठोर हो तो इसे स्वतः ही स्पंदन होने लगता है, जिससे पाइप टूट जाता है या कनेक्शन ढीला हो जाता है। तो इस प्रकार से होस लगे होते हैं, जैसे यहां से लेके हमें कनेक्शन यहां लेके जाना है, तो एक फ्लेक्सिबल पाइप है। अगर कोई इसमें अगर वेरी वो वेव भी आएगी तो ये इसे एडजस्ट करके झेल जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए पिस्टन लगा हुआ है, यहाँ से प्रेशर आ रहा है, यहाँ से प्रेशर अंदर की तरफ जा रहा है, लेकिन ये क्या है फ्लेक्सिबल है, इसलिए इसको झेल झेल जा रहा है। ये झटके आवाज एवं स्पंदन से बचाते हैं, जो आपके झटके आवाज या स्पंदन है उससे बचाएंगे। ये रुके हुए पार्टों को जोड़ देते हैं, कम जगह में भी आसानी से फिट हो जाते हैं, अस्थायी कनेक्शनों के लिए अच्छे से बना देते हैं। इसके द्वारा कनेक्शन बना सकते हैं, हम आवश्यकता पड़ने पर कनेक्शन को हटा भी सकते हैं, जैसा कि आजकल होता है। अब इसमें अलग अलग प्रकार के होस के बारे में दिखाया गया है कि किस किस टाइप के होस होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जो पाइप होती है, आजकल जैसे सिलेंडर वाली अपनी पाइप देखी होगी कभी, जो आपकी सिलेंडर से गैस में जाती है ना, तो देखे होंगे जब उसको खोलेंगे तो उसमें एक वायरिंग
स्टील की वायरिंग या तार की वायरिंग अंदर लगी, ऊपर से रबड़ होता है और अंदर स्टील वायरिंग ब्रेडेंट ऐसे बनी होती है, अंदर क्या होता है ट्यूब लगी होती है, अंदर ट्यूब, ऊपर स्टील रॉड और बाहर के ऊपर रबर, ये तीन कवर इसके ऊपर लगे होते हैं अलग अलग टाइप के। तो इसका ऑपरेटिंग प्रेशर, इसमें क्या होता है जहां पर प्रेशर वाला काम होता है तो वहां पर इस प्रकार की पाइपों का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि वायर ब्रेडेड होस में स्टील का वायर होने पर उच्च दाब 300 सेंटीमीटर पर स्क्वायर तक का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन कृत्रिम यार्न ब्रेडेड होस की तरह लचीली ये नहीं होती है। टाइप ऑफ पाइप एंड देयर फिटिंग, पाइप और उसकी फिटिंग के प्रकार कौन कौन से होते हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसा कि होस का प्रयोग कई प्रकार के उपयोगों के हेतु किया जाता है, कई प्रकार के कंटेनरों के साथ जोड़कर कई प्रकार की एंड फिटिंग भी तैयार करता है। कई प्रकार की एंड फिटिंग्स उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध हैं, कुछ फिगर नंबर 5 में दिखाई गई हैं। इसको बोलते हैं थ्रेडेड मेल निप्पल, इस टाइप का जो होता है उसको बोलते हैं थ्रेडेड मेल निप्पल, फीमेल स्वाइल नट फीमेल निप्पल, फीमेल स्वाइल नट फीमेल निप्पल, वी टाइप विथ ट्यूब डाया, डाया को बढ़ाना या घटाना हो उसके लिए इस प्रकार के फिटिंग का उपयोग किया जाता है। कनेक्टर्स क्या होते हैं? कनेक्टर ऐसे पार्ट जो ट्यूब के सिरों एवं द्रवचालित पार्टों के सिरों से जोड़ते हैं। कंटेनर का प्रयोग एवं अन्य कार्यों के लिए भी किया जाता है, जैसे ट्यूब की साइज बदलना, प्रवाह की दिशा बदलना, प्रवाह को रोकना, कंटेनरों के कई मापदंड के अनुसार बांटना, सीलिंग के डिजाइन के अनुसार, और इसको जो है कंटेनर को कई भाग में बांटा गया, और आकार संरचना और उपयोग के आधार पर जो कनेक्टर्स का काम यही होता है, ट्यूब की साइज बदलना, प्रवाह की दिशा बदलना, प्रवाह को रोकना और कनेक्टर को क्या करना है दो मानदंडों में बांटना, सीलिंग के अनुसार और आकार और संरचना के अनुसार। जैसे कि इसमें दिखाया गया फ्लेयर फिटिंग, इस फिटिंग में पाइप फ्लेयर हुए रहते हैं और कनेक्टर से जुड़ जाते हैं। इसमें क्या होता है जो पाइप है इस प्रकार से, उसका जो ऊपरी हेड होता है और फ्लेयर जो पाइप होता है इस फ्लेयर से यहाँ पे जुड़ा हुआ होता है। दूसरा है ओरिंग, ओरिंग पाइप को बाहरी वास से सील करती है और स्प्रिंग रिंग पर पाइप को क्लैंप कर किया जाता है, जैसे ओरिंग इसमें लगी होती है जो पाइप को ऊपर से सील कर लेती है, जिससे पानी जो है इसके बाहर नहीं जा पाता है। इसी प्रकार से अलग अलग प्रकार की सीलिंग का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। कुल मिला के हमें ये समझना है यहाँ पर कि जो आपका पाइप और फिटिंग है वो काम कैसे करता है। ये देखिए, इसको आपने देखा होगा फोर वे करेक्टर्स, जैसे कहीं पर ऐसी जगह हो जहां पर एक यहां से एक सप्लाई हो और तीन जगह पर आपको देना हो तो इसको बोलते हैं फोर वे करेक्टर। इस प्रकार का वो शेप के आधार पर ही आप समझ जाएंगे देख के। यहाँ पर देखिए एल्बो कनेक्टर, पानी को कहीं एल आकार में अगर मोड़ना हो 90 डिग्री पे या किसी एंगल पे तो उसको बोलते हैं एल कनेक्टर। टी कनेक्टर होता है एक, जिसमें पानी को दो हिस्सों में अलग अलग स्थानों पर भेजना होता है उसको बोलते हैं टी कनेक्टर्स। इसी तरह अलग अलग प्रकार के कनेक्टर्स होते हैं। एक होता है बेंजो कनेक्टर्स, बेंजो कनेक्टर्स या एलो कंटेनर कनेक्टर जैसा होता है, लेकिन इसमें पोर्ट अच्छे से 360 डिग्री घूमने की क्षमता होती है। इसमें क्या होता है कि ये जो होता है, मान लीजिए मैं यहां से मैंने पानी की सप्लाई दे दी, आप क्या कर सकते हैं इसको 360 डिग्री ऊपर से घुमा सकते हैं, यहाँ से पानी की सप्लाई दे दी, इसको आप रोटेट करा सकते हैं किसी भी दिशा में, इसीलिए इसको बोला जाता है बेंजो कनेक्टर्स। इस तरीके से देखिए अलग अलग प्रकार के ट्यूब इस तरह मुड़ी होनी चाहिए कि मोड़ पर कोई भी पंचर या बेंट कॉर्नर पर ना हो। कोई भी जैसे अगर हम कनेक्टर्स बनाते हैं
तो उसका जो कॉर्नर होता है वो कैसा होना चाहिए? फिगर नंबर 20 में देखिए, अगर ऐसा होगा सीधा तो भी कट जाएगा, या थोड़ा थोड़ा रिंकल होंगे तो भी फट जाएगा। जो कॉर्नर है बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जैसा इस फिगर में दिखाया गया, एकदम प्लेन और स्मूथ। ट्यूब का स्थान और निप्पस बिना ट्यूब के उचकाए मोड़े या तोड़े किया जाना चाहिए। जैसे इसमें अगर कोई भी हम ज्वाइंट कर रहे हैं तो इसमें हमें कोई भी क्या होता है ट्यूब जो है उसको तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए। इसको इसको कनेक्टर्स को ट्यूब के अनुसार एडजस्ट करना चाहिए, ना कि ट्यूब को कनेक्टर के अनुसार। देखिए होज लगाने का तरीका है फिगर नंबर 26। कोई होज जो होता है वो किस तरह लगाया जाता है? तो होज को हमेशा कभी भी इस तरीके से मत लगाए, जो ऊपर वाला हिस्सा रॉन्ग है। होज हमेशा यू शेप में लगाना चाहिए। इससे क्या होता है, इस पे पाइप पे प्रेशर नहीं होता, जो इसके सिरे होते हैं इस पे प्रेशर कम लगता है। इस तरीके से कभी होज नहीं लगाना चाहिए जैसा कि आपने देखा, सीधा एकदम। क्या होगा, तापमान में जब परिवर्तन आएगा तो ये लंबा घटेगा या बढ़ेगा, उस स्थिति में इसमें क्या होता है, डिफॉर्मेशन आ जाएगा, जबकि ये स्थिति एकदम सही है नीचे वाली। तो पाइप का प्रयोग कहां पर और कैसे किस किस प्रकार से करना है ये आपको दिखाया जा रहा है। फिगर नंबर 23, किस तरीके से पाइप, जो पैरेलल पाइप होते हैं उस पर क्लैंप को लगाया जाता है। और 27वें नंबर में देखिए कि अगर एक मुड़ी हुई होस पर उच्च ऑपरेटिंग दबाव डालते हैं तो होस विफल हो सकता है, अतः उसके साथ जुड़ा नट ढीला भी हो सकता है, इसलिए समय समय पर इनको भी चेक करते रहना चाहिए। और ब्रैकेट, कोई भी चीज़ होस को अगर आप लगा रखे हैं तो उसके अंदर मूवमेंट ना हो उसके लिए यहाँ पर ब्रैकेट लगा के उसे बांध देना चाहिए, वो भी फायर प्रूफ होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए ऊपर वाले चित्र में एक वायर होस ऐसे गई है और उसके ऊपर कोई भी फिक्सेशन नहीं लगा हुआ है, जबकि यहाँ पर उसे फिक्स कर दिया गया है। फिगर नंबर 28 में देखिए, जो भी होस कनेक्शन है इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहिए। देखिए कॉम्प्लिकेटेड बना दिया इसने, खूब ऐसे करके इसको ऐसे लेके गया, इसको लेके या फिर ऐसे लगाया है, जबकि जो होस कनेक्शन है उसको इस तरीके से लगाना चाहिए। सीधे लेके गए, इसको यहाँ लगा दिया, यहाँ पर इसको ले आए और उसको यहाँ लगा दिया, इसको यहाँ लगा दिया। कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड घुमावदार हमें नहीं बनाना चाहिए। होस कनेक्शन, जो कनेक्शन है वो कभी भी टेढ़ा, किसी समतल के आधार पर टेढ़ा नहीं लगाना चाहिए, उसको हमेशा सीधा करके आपस में यू शेप में ज्वाइंट कर देना चाहिए। और हमेशा जो जहाँ पर प्रेशर वाला काम हो वहाँ पर वायर ब्रेडेड जो ट्यूब है उन्हीं का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। यहाँ पर देखिए कोई भी प्रेशर लगा रहे पाइप में तो पाइप में कुछ ऐसी कंडीशन ना पैदा होने दे, पाइप हमेशा सीधी रहे ताकि प्रेशर पूरे स्मूथली लास्ट आउटपुट तक पहुंच सके। तो ये आपका पाइप हो गया, पाइप के बारे में बताया गया आपको। अब अगला है हाइड्रोलिक और वायु चातक, क्या लीनियर एक्यूटर्स। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि तो आज का इस चैप्टर अब लगभग आधे घंटे की वीडियो बन गई है और लंबा पढ़ाना क्या हो सकता है, बोरिंग हो जाएगा। तो ये दोनों जो चैप्टर हैं आज हाइड्रोलिक में कनेक्टर्स और जो आपके होस पाइप हैं, रिलीफ वॉल्व और कनेक्टर्स पाइप के, ये दो चैप्टर हम इसमें कवर करते हैं। कोई नया चैप्टर इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि तीनों अलग अलग टाइप के चैप्टर हो जाएंगे, तो तीनों को रिकॉल करना और उनको समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए ये दो ही चैप्टर आज हम लोग इस टॉपिक में कवर करते हैं। आप लोग भी इसको अपने एंड से भी एक दो बार पढ़ लीजिए, और ज़्यादा डिटेल चाहिए क्योंकि इसमें डिटेल कम दी हुई है। पाइप के प्रकार और उसके कनेक्शंस के बारे में पढ़ना है तो आप यूट्यूब पर भी जाके अध्ययन कर सकते हैं। यूट्यूब पे और भी कई सोर्सेस से बहुत अच्छी जानकारी दी हुई है।
यूट्यूब हो गया, गूगल हो गया। यूट्यूब पे आप एनिमेशन के माध्यम से देख सकते हैं कि कैसे वो काम करता है। ये सब छोटी छोटी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियोस मैं आपको बनाता रहूँ, तो हमें प्रोत्साहित करने के लिए लाइक और कमेंट करते रहिए और हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। सैनिक चैनल, सैनिक आइडिया यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।